जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक यूट्यूबर हो, खास करके नए यूट्यूबर हो, तो आपके भी मन में आ रहा होगा कि ऐसा थंबनेल बनाना या फिर ऐसा थंबनेल बनाना या फिर ऐसा थंबनेल बनाना। तो मनोज डे भाई के जैसा कैसे आप थंबनेल को बनाओगे, कैसे अपने व्यू को इंक्रीज करोगे? क्योंकि देखिए, जब तक आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तब तक CTR नहीं बढ़ेगा। CTR बढ़ेगा जब तक आपका थंबनेल बिल्कुल ही बेस्ट ना हो। क्योंकि अभी यूट्यूब से लेकर हर प्लेटफार्म पर कंपटीशन का ज़माना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो यहाँ पे अगर आप थंबनेल ख़राब बनाते हो, अच्छा नहीं बनाते हो, तो आपके वीडियो पे व्यू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अच्छा से अच्छा थंबनेल कैसे बनाते हैं मनोज डे के जैसा, या फिर आप मेरा ही थंबनेल देख लीजिए। तो दोस्तों, बिल्कुल बनाना आसान है। इस वीडियो के को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही YouTube से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त श्याम सजना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, थंबनेल बनाने के लिए बहुत दिमाग में आपका होता है कि मनोज डे इतना बड़ा भाई चैनल है तो उनका वो मतलब कैसे बनाते हैं कंप्यूटर PC, ऐसा कोई नहीं है। एकदम सैंपल से आपको, बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो 3-4 एप्लीकेशन बताते हैं। 3-4 एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस एक एप्लीकेशन। खास करके अगर आपके पास है तो बिल्कुल अच्छा है, नहीं है तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसका नाम है पिक्सल लैब, आप देख सकते हैं, यही वो एप्लीकेशन है। जाइए और जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपके पास एक दूसरा मोबाइल है तो इस मोबाइल में उसको लॉगिन कीजिए और चला चला के आप देखते रहिए। मैं जो जो स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप को आप फॉलो करते जाइए। अगर नहीं मोबाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी ले लीजिए और कलम ले लीजिए, लिखते जाइए कौन से सेटिंग में मैं गया हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर बैक जाके वो सेटिंग कीजिए, फिर पॉज कीजिए, फिर देखिए। तो देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, ऊपर डिलीट वाले जो सिंबल दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करके हमको ओके कर देना है। जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ था वो पूरी तरह डिलीट हो चुका है, तो अब सिर्फ कलर दिखाई दे रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको थंबनेल बनाना है यूट्यूब का। तो यूट्यूब का साइज़ हमको लेना पड़ेगा। तो यूट्यूब का साइज़ लेने के लिए हमको ऊपर के तरफ 3 डॉट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें से कोई भी ऑप्शन हमको सेलेक्ट नहीं करना है, इमेज साइज वाला ऑप्शन जो है उसको ही सेलेक्ट करना है। इमेज साइज वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1280 और 1280 करके यहाँ पे दिखा रहा है साइज। तो हमको क्या करना है, कस्टम के बगल में राइट तरफ ये तीर का निशान जैसा दिखाई दे रहा है छोटा सा, उस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कस्टम स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर यूट्यूब बैनर और यूट्यूब थंबनेल। तो हमको क्या चाहिए, यूट्यूब थंबनेल बनाना है। तो यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए हमको यूट्यूब थंबनेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब देखिए 1280 और 720 में हमारा यूट्यूब का थंबनेल बनेगा 16:9 में। तो ओके पर क्लिक करते हैं। ये हमारा यूट्यूब का थंबनेल का साइज हो गया। अब हमको सिंपली से एक काम करना है, एक अच्छा सा कलर ले लेना है। कलर लेने के लिए हमको ये 3 नंबर वाला जो देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं 4th नंबर वाला जो ऑप्शन है उसमें कलर का ऑप्शन हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक कलर को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कलर हैं, आप चाहें तो सिंपल कलर इसमें से कोई भी सेलेक्ट करके और इस पर आप थंबनेल को बना सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा कलर है, यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारा कलर है, एक दो कलर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा कलर है। इनमें से कोई भी कलर को आप सेलेक्ट करके बना सकते हो अपने थंबनेल को। लेकिन दोस्तों हमको तो एक प्रकार का कलर चाहिए नहीं, हमको 2-3 कलर का कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे मनोज भाई अपने वीडियो में लगाते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो कलर के नीचे वाला ग्रेडियंट का जो ऑप्शन है उस पर हमको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आएंगे तो पहले से हम ये जो कलर बनाए हैं वो आपको शो हो रहा है, तो हम नया कलर बना के आपको दिखाते हैं।
सिंपली दोस्तों कुछ नहीं करना होगा, ये प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक करना होगा। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ऊपर के तरफ 6-7 खंड जैसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या कार्य है आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो साइड में हो गया, ये नीचे ऊपर हो गया, तो हमको ऊपर नीचे वाला ही कलर को चेंज करना है। यहाँ पे ध्यान से नीचे देखिएगा तो 2 तीर का ऑप्शन है, तो पहले वाला तीर के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हम एक कलर हरा वाला ले लेते हैं, धीमा कलर का हरा नहीं लेना है हमको, थोड़ा गाढ़ा लेना है। तो गाढ़ा लेने के लिए थोड़ा इसको नीचे के बीच वाले को थोड़ा नीचे करते हैं, और देखिए नीचे जैसे कीजिएगा ऊपर आपको दिखाई देता जाएगा, जैसा देखिए ऐसे कीजिएगा ऊपर आपको कलर दिखाई देता जाएगा। तो ये घबराना नहीं है, इसे नीचे करना है और ऊपर देखते रहना है, और ओके पर अब हम क्लिक कर देंगे। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर एक कलर बन चुका है, तो अब हमको नीचे का एक कलर लेना है। नीचे का एक कलर लेने के लिए ये बगल वाला जो तीर है राइट तरफ वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे। फिर कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद फिर हम एक हरा ही कलर लेंगे, आपको जो मर्जी होगा वो ले लीजिएगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको हरा से ही दिखाता हूँ। तो देखिए फिर इसको थोड़ा गाढ़ा करता हूँ, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, और अब ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों तरफ का कलर हमारा हो गया, तो सिंपली हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं जो ऊपर नीचे का कलर था वो दाएं बाएं कलर में बदल गया। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जैसे देखिए यूट्यूब का बैनर जो होता है ना 16:9 का, लेकिन जब भी आप कलर सेलेक्ट कीजिएगा तो 9:16 में, यानी कि ऊपर नीचे का सेलेक्ट कीजिएगा तो जो ऊपर वाला भाग रहेगा वो लेफ्ट तरफ चला जाएगा, जो नीचे वाला भाग रहेगा वो राइट तरफ चला जाएगा। यही मैं आपको समझा रहा था। तो सिंपली अब हमको ये एक बार सेलेक्ट कर लिए तो ये कलर हमारा हमेशा के लिए हो गया। ये कलर देख आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर हमारा हो गया। देखिए यहाँ से इसको हटा दिए, यहाँ क्लिक किए, ये हमारा कलर हो गया। तो साइन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, वो कलर हमारा सेव हो चुका है। वो अब जब भी हम अपने कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे यहाँ से हमको कलर दिखाई दे देगा। तो चलिए दोस्तों अब हमको जाना है, ये देखिए कलर के जस्ट बगल में ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे पूरी तरह कलर को तोप दिया। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको अब हमको क्या करना है, अब देखिए ये बीच वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। बीच वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं एक ड्रॉ का ऑप्शन है, तो ड्रो के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे सावधानी करना है, ड्रो के ऑप्शन पे आप जब जब क्लिक कीजिएगा फिल इनसाइड करना ही होगा। फिल इनसाइड नहीं कीजिएगा तो क्या होगा कि वो आपका कटिंग नहीं होगा। फिल इनसाइड पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करने के बाद ये नीचे का जो 2-3 ऑप्शन है इसको कुछ नहीं करना है, इसको छूना तक नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला के फिल इनसाइड का ऑप्शन है उस पर ही क्लिक करना है। और थोड़ा पेन का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हम 10 है तो सिंपली इसको हम 5 कर लेते हैं। 5 कर लेने के बाद यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है, कौन सा था, उजला। उजला कलर हम पर क्लिक कर देंगे, कलर सेलेक्ट कर लिए। अब हमको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पे कटिंग कर देना है एक। तो दोस्तों एक कटिंग हम करके आप लोगों को दिखाते हैं। एक कट गया, कट जाने के बाद इसको कुछ नहीं करना है, आपको साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये इधर उधर घसकने लगा तो इसको ऐसे बीच में ले आ देंगे, और ऊपर आप ध्यान से देखिएगा एक प्लस के बगल में एक सेव का ऑप्शन होगा, तो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो लिखा हुआ है सेव एज इमेज, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप आइएगा नीचे वाला में कस्टम के सामने सामने एक छोटू सा एक तीर का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और अल्ट्रा में इसको सेव कर देंगे, सेव टू गैलरी। दोस्तों ये हमारा गैलरी में सेव हो गया। तो अब इसको हमको हटा देना है, इसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये जो डिलीट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, डिलीट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमको फिर से जाना है कलर वाले ऑप्शन में, फिर से दोस्तों हमको जाना है कलर वाले ऑप्शन में। तो कलर वाले ऑप्शन में जाने के लिए अब जो बीच में हम आ गए हैं तो उसके बगल वाले 4th नंबर वाले ऑप्शन में हमको जाना पड़ेगा। यहाँ हम आ गए और देखिए यहाँ आने के बाद कलर वाला ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, तो हमको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
कलर वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन फिर आ जा रहा है, तो हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और आपका अपना जो हमारा था कलर उस कलर को हम ले लेते हैं। देखिए उस कलर को ले लिए फिर से हम, और साइन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्त हम जो भी वो काटे थे हम उस कटे हुए जो भी पार्ट था उस कटे हुए पार्ट को ले आके हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए इस लगाने के लिए उस फोटो को लाने के लिए और यहाँ पे लगाने के लिए प्लस वाला जो आइकन है उस पर हम क्लिक करेंगे। और देखिए प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद 5-6 ऑप्शन आ रहा है, तो हमको फ्रॉम गैलरी वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और आपको दिखाई दे रहा होगा तो 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और रिसेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। रिसेंट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो भी चीज़ आप नया अभी बनाए होंगे वही आपको शो होगा, या आप डाउनलोड किए हो या अपने से बनाए हो कोई भी ऐप में वही पहले शो होता है। तो देखिए यहाँ पर सेव हो चुका है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस पर हम इसको क्लिक कर देते हैं और थोड़ा इसको रोटेट कर देते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं इसको रोटेट करके, तो दोस्तों हम इसको रोटेट कर दिए। अब साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। बगल में देखिएगा एक साइन का ऑप्शन है, इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आ चुका है, तो इसको हम थोड़ा घींच के बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल वाला जो ऑप्शन है बीच में इसी से घींच के बड़ा होता है, तो हम सिंपली इसको घींच के बड़ा कर देते हैं। बड़ा कर देंगे और इसको पूरी तरह से पीछे के साइड में ढक देंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से हम इसको ढक दिए हैं। दोस्तों देखने में अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लगेगा अच्छा। आपको मैं जो जो बात बता रहा हूँ ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। अब इसको अच्छा लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो सिंपल से हमको इसी पे उजला वाला जो लाए हैं हम फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमको जाना है सिंपली ये वाले ऑप्शन में। ये वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा है, हमको बीच वाले में जाना है और इसको थोड़ा स्क्रोल करना है। स्क्रोल करते 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 जाते जाइए, स्क्रोल करते जाइए। यहाँ पे देखिएगा दो ऑप्शन है, एक साइड शो का और एक इनर शो का। तो देखते हैं हम इनर शो में जाके हम इसको इनेबल करते हैं, तो थोड़ा ये मोटा हो गया, थोड़ा मोटा हो गया। आप देख सकते हैं थोड़ा ये मोटा हो गया। और इनर शो को हम इनेबल से हटा देते हैं, तो देखिए फिर पतला हो गया। अब साइड शो में जाते हैं और यहाँ पे साइड शो में क्लिक करते हैं। साइड शो में दोस्तों क्लिक करने के बाद होता ये है कि थोड़ा नीचे से जो भी हम कटिंग किए रहते हैं वो गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा और भी हम इसको गाढ़ा मोटा कर लेते हैं। तो इसको 10 है तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम पूरी तरह गाढ़ा हो गया ये, और तो 16 पे कर दिया। और सिंपल से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए दोस्तों। अब हम आप चाहिए तो यहाँ पे आप दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, तो आप चाहिए तो कलर लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अभी एक काम हमको और करना है, ये बीच में एक पट्टी हम लगा देते हैं जिससे हमारा देखने में थंबनेल और भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो पट्टी लगाने के लिए यहीं पे आप देखिएगा सापेज का एक ऑप्शन है, यहाँ पे ड्रो के बगल वाले ऑप्शन में हमको क्लिक करना होगा। ड्रो के बगल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और सिंपली कुछ नहीं करना है, नीचे से इसको ऊपर की तरफ मोड़ना है। मोड़ते ही थोड़ा पतला हो जाएगा, हाँ हमको इतना चाहिए। अब इसको थोड़ा लंबा कर देंगे, थोड़ा इसको हमको लंबा कर देना है। लंबा करके सिंपली हमको इसको बीच में लगा देना है, बीच में लग चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं बीच में लग चुका है, तो देखने में अभी अच्छा नहीं लग रहा है। आप चाहिए तो इसमें कलर भी आप लगा सकते हैं, जो भी कलर अगर आपको मर्ज़ी हो तो इसको कलर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और हमको वाइट ही रखना है तो वाइट ही हम रखेंगे। आप चाहिए तो जो भी कलर आप चाह रहे हैं वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और रख सकते हैं। फिलहाल हमको वाइट ही रखना है,
तो हम साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, जो हरा वाला है उसको ये ऊपर से ढक दे रहा है, तो इसको हम अंदर कर देते हैं। अंदर करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ऊपर एक देखिएगा थ्री डॉट के नीचे एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पट्टी है इसको खींच के नीचे कर देना है। हम नीचे कर दिए इसको और फिर इस पर क्लिक कर देंगे ऑप्शन पे। अब देखिए पूरी तरह से नीचे चला गया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब हमको थोड़ा टेक्स्ट कुछ लिख लेना है, कुछ टेक्स्ट हमको लिख लेना है। तो दोस्तों टेक्स्ट लिखने से पहले हम एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं बढ़िया सा। आपको दोस्तों कभी भी फ़ोटो में थंबनेल लगाइएगा आपके वीडियो के अनुसार। अगर वीडियो में खुशी है तो हंसने वाला फ़ोटो लगाइएगा, वीडियो में गम है तो गम वाला फ़ोटो लगाइए। मतलब जैसा आपका मूवमेंट हो, जैसा वीडियो का सिचुएशन हो, वैसा सिचुएशन के अनुसार आपको फ़ोटो लगाना है। तो ये थोड़ा शॉकिंग है तो शॉकिंग वाला ही हम लगाएंगे। आखिर YouTube पे थंबनेल कैसे बनाएं, तो थोड़ा शॉकिंग है तो हम शॉकिंग वाला फ़ोटो लगाते हैं। तो यहाँ सिंपली हम जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करके दोस्तों हम एक रिमूव के बगल वाले जो हमारे फोल्डर है उससे हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। और फ़ोटो एक लेके आपको लगा के दिखाता हूँ मैं। इसमें दोस्तों फ़ोटो नहीं लग रहा है तो हमको थोड़ा बैक आना है। बैक आके रिमूव बीजी में जाते हैं, रिमूव बीजी में कहीं होगा, इसमें होगा फ़ोटो, तो देखते हैं। तो हाँ ये फ़ोटो को ही हमको लगाना है। ये फ़ोटो देखने में थोड़ा शॉकिंग जैसा लग रहा है, तो इसको लगाने के लिए नीचे साइन वाले ऑप्शन है, इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करके अब थोड़ा हमको जूम कर देना है इस फ़ोटो को। जूम कर देना है हमको फ़ोटो को। अब देखिए हमारा फ़ोटो लग चुका है। एक बात का ख्याल आप रखिएगा कभी भी दोस्तों, फ़ोटो कोई भी लगाइएगा तो बगल वाला जो पट्टी है उसमें टच नहीं होना चाहिए। थोड़ा छोटा ही फ़ोटो रखिएगा, बगल वाला पट्टी में टच होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए हल्का सा ऊपर की तरफ भी छोड़ दीजिएगा। तो देखिए हमारा फ़ोटो लग चुका है। अब कुछ टेक्स्ट हम लिख लेते हैं। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमको ए लिखा हुआ जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। ए लिखा हुआ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्लस का जो सिंबल है उस पर हमको क्लिक करना होगा। प्लस के सिंबल पे क्लिक करने के बाद हमको एडिट के ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा और क्लिक करके एक टेक्स्ट लिखना है। यूट्यूब लिख दिए। अब इसको यहाँ से यूट्यूब लिखने के बाद यहाँ से हम थोड़ा इसको स्क्रोल करते जाएंगे और साइज वाले ऑप्शन है तो साइज वाले ऑप्शन पे थोड़ा बड़ा कर देंगे। थोड़ा बड़ा करने के बाद 62 पे हम इसको क्लियर कर दिए तो और अब हम साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और थोड़ा इसको स्क्रोल करते आगे बढ़ेंगे। स्क्रोल करते करते आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के यहाँ पे जो बी बड़े लेटर में बी लिखा हुआ है जिसके नीचे स्टाइल लिखा हुआ है इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करके ये फर्स्ट में जो बी लेटर है उसको पे क्लिक करना है। उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो यूट्यूब लिखा हुआ था वो मोटा कलर में हो गया, यानी कि पहले पतला दिखाई देता था अब मोटा हो गया, तो जो अस्पष्ट रूप से हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको दिखाई देगा। तो अब हमको साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप चाहें तो इस टेक्स्ट को रख सकते हैं या चाहिए तो आप दूसरा टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए ए बी लिखा हुआ है, ये फ्रंट है, ये भी लिखा हुआ है, इसमें फ्रंट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप इसका जो भी लिखावट है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा लिखा जाएगा, उसके बाद वोगालू रेगुलर पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा लिखा जाएगा यूट्यूब। तो आप जो भी चाहें अपने ही अनुसार कर सकते हैं आप, लेकिन हमको चेंज नहीं करना है तो हम सिंपल कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। लेकिन आपको जो भी अच्छा लगे आप ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फ्रंट दिया हुआ है उस फ्रंट का आप यूज कर सकते हैं।
तो हमको यूज नहीं करना है, तो हम कैंसिल पर क्लिक करेंगे, वही रहने देंगे। लेकिन हमको क्या करना है, थोड़ा पीछे के तरफ आना है। ध्यान से दोस्तों देखते जाइएगा, ध्यान से दोस्तों देखते जाइए और समझते जाइए। पीछे की तरफ आना है, यहाँ पे कलर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप, कलर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि हरा कलर है, अगर हम दूसरा चीज़ ले जाके लगाएंगे तो सही नहीं होगा। यहाँ पे कलर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम रेड कलर को पूरी तरह सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे रेड कलर है, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, तो इसको गाढ़ा करने के लिए हमको प्लस वाले सिंबल पे सिंपल क्लिक करना है। और यहाँ से तीन खंड है, तीन खंड में दोनों खंड बराबर में है, लेकिन ऊपर वाला खंड कम है, तो इसको घींच के कर देंगे राइट तरफ में, पूरा सटा दिए। तो देखिए वहाँ पर भी सट गया, और ओके पर क्लिक कर देंगे, पूरा गाढ़ा लाल हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा बीच में एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट कर दिए। एडजस्ट करने के बाद हमको साइन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से जाके एक स्टॉक को ले लेना है। स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक है, तो यहाँ पे एक स्टॉक लेना है हमको। इनेबल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे काला कलर है, तो हमको काला कलर नहीं चाहिए, हमको चाहिए वाइट कलर। तो वाइट कलर पर सिंपल हम ले लिए, और इसको स्टॉक को सात पर कर देंगे। सात पर देखने में अच्छा लगता है, तो सात पे हो गया हमारा कलर। अब साइन वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है, साइन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर दिए। अब उसके बाद हमको एक और काम करना है, वेरी इम्पोर्टेंट, हमको यूट्यूब का सिंबल लगाना है। यूट्यूब का सिंबल लगाने के लिए हम अपने फाइल में जाएंगे, और यहाँ से क्लिक करके हम अपने फाइल में जाते हैं, ये वाला फाइल में हम रखे हैं। तो यहाँ से हम अपना यूट्यूब का थंबनेल को ले लेते हैं, YouTube का थंबनेल हम ले लिए, तो इसको हम ले लेते हैं। ले लेने के बाद इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा करके थोड़ा घुमा देते हैं, छोटा करके थोड़ा हमको घुमा देना है। हाँ, इतना ही बड़ा हमको लेना है, तो यहाँ पे हमको लगा देना है। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर लगा दिए। अब हमको YouTube का एक और लोगो लेना है, चाहे तो हम यहाँ पर भी इसको कॉपी करके एक और ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम फाइल में जाके लेंगे। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके फिर से हम जा रहे हैं अपने फाइल में। फाइल में जाने के बाद यहाँ से हम एक YouTube का लोगो फिर से ले लेते हैं, साइन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम YouTube का लोगो ले लिए, तो अब थोड़ा सा इसको लगा देते हैं बढ़िया तरीके से। दोस्तों थोड़ा इसको घुमा लेना है, और घुमा के थोड़ा सा इसको बढ़िया तरह से एडजस्ट कर देना है, तो देखने में अच्छा लगे। कभी भी दोस्तों जिस प्रकार अटैच हो उसी प्रकार अटैच करना। तो देखिए देखिए, हम अटैच कर रहे हैं किस प्रकार, आप चाहे तो अपने प्रकार से भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा। थोड़ा घुमा दिए दोस्तों, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हमको लिखना है थंबनेल, तो थंबनेल लिखने के लिए ऊपर वाले प्लस वाले आइकन पर हमको क्लिक करना है, और टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर एक पेंसिल वाले जो आइकन है इस पर हमको क्लिक कर देना है, फिर एक बार और क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद हम पूरा को डिलीट कर देते हैं, और थंबनेल लिख देते हैं। और थंबनेल हम लिख दिए, और हम ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, आप चाहो तो ये प्लस वाले आइकन पर भी क्लिक करके आप अंदर जाके टेक्स्ट को लिख पाओगे, या आप सिंपली एडिट नीचे लिखा हुआ है वहाँ से भी आप लिख सकते हो, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना हो, आपको जो आसान लगे वो कीजिएगा। मैं दोनों तरीका आपको बता दिया हूँ। तो सिंपली दोस्तों हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दोस्तों हम इस साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अभी आपको ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वाइट पे वाइट है, तो हम कलर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों साइज़ हम 75 पे रहने दे रहे हैं, बाद में कम ज़्यादा करेंगे।
तो देखिए साइज के बगल में पेंडिंग, पेंडिंग के बगल में कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके एक कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों हमको ये कलर अच्छा लग रहा है तो हम एक कलर को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा कम है, तो इसको हम राइट तरफ खींच के गाढ़ा कर देते हैं। अब देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा हो गया, गाढ़ा कलर हो गया। अब साइन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और थोड़ा स्क्रोल करेंगे, स्क्रोल करते जाएंगे यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके हम इनेबल कर देंगे। इनेबल कर देने के बाद 5 का स्टॉक, 7 का स्टॉक दे देंगे, 7 का स्टॉक दे के साइन पर क्लिक कर देंगे। साइन पे क्लिक कर देने के बाद इसमें दोस्तों हम एक फ्रंट दे देते हैं, तो ये भी लिखा हुआ है, इस फ्रंट पे हमको क्लिक करना है। ये भी लिखा हुआ फ्रंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फ्रंट शो हो रहा है, तो इनमें से किसी एक फ्रंट को हम लेकर आप लोगों को दिखाते हैं। अमरनाथ बोल्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। फ्रंट हमको देखने में अच्छा लग रहा है, अमरनाथ बोल्ट वाला अच्छा लग रहा है, तो आप हिंदी में हम लिख देंगे न्यू टेक्स्ट। हिंदी में हम लिखते हैं कैसे बनाए, और प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे, इसको खींच के यहाँ पे ला देंगे और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के लिए स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, बड़ा वाला बी पे क्लिक करेंगे और साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और इसको हम थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। साइज बड़ा हो गया और साइन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद एक स्टॉक भी लगा देते हैं, इनेबल कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए 7 का स्टॉक हम दे देते हैं, साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल बनके तैयार हो चुका है। अभी इसमें बहुत कुछ लिखने के लिए है, बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, आपको हम तरीका बता दिए हैं। इसी प्रकार आप मोनोडे जैसा थंबनेल को बना सकते हैं, इसमें आपको बहुत कुछ ऐड करना होगा। अगर मैं सब चीज़ ऐड करके आपको बताऊंगा तो 50 मिनट का वीडियो हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए मेन मेन टॉपिक मैं बता दिया हूँ, मोनोडे जैसे काटते हैं वो वाला कटिंग भी आपको बता दिया हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको सिंपल सा थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा। और देखिए जैसे मैं थोड़ा सा करके आपको दिखाता हूँ, जैसे इसी में है, आप नीचे अटैच कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, तो नीचे आप लिख सकते हैं इसमें आप लिख सकते हैं मोनोडे जैसा ऐड कर सकते हैं। इससे जितने भी व्यूअर होंगे, मनोज भाई को तो सब कोई जानता है, जितने भी व्यूअर होंगे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे ये वाइट का वाइट रहने देते हैं और स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक में हम अब दूसरा कलर, ये रेड कलर हम ले लेते हैं, और देखिए रेड कलर का 7 स्टॉक दे दिया, अब कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा मतलब क्लिक रेट करना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल बन के तैयार हो चुका है, तो सिंपल से इसको हमको सेव करना है। सेव करने के लिए हमको ऊपर वाला जो फाइल जैसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे, नीचे सेव एज इमेज लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे जो कस्टम के बगल वाला जो छोटा सा तीर जैसा है उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर 5-6 ऑप्शन दे रहा है, तो आपको सबसे नीचे वाला अल्ट्रा वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है और यहाँ सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। अब ये हमारा फ़ोटो सेव होकर हमारा गैलरी में जा चुका है, तो अब हम अपने YouTube चैनल के थंबनेल में इस फोटो को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाते जाते मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही YouTube से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है और हमेशा जब तक जिंदा रहूँगा लाता रहूँगा। और आपको अगर थंबनेल बनाने में और भी कोई अगर प्रॉब्लम होता होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई दे देने के लिए, और 100% गारंटी है रिप्लाई दूंगा तो दूंगा ही, ठीक है। तो ज़्यादा क्या बोलूँ, लव यू।
खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माँ बाप का सेवा करते रहिए। जय हिंद।